भदोही पुलिस ने विधायक विजय मिश्रा पर जारी किया प्रेस नोट। प्रेस नोट में क्या लिखा आपको बताते हैं। विधायक विजय मिश्रा गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। आज दिनांक 16 अगस्त 2020 को विजय मिश्रा विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर भदोही को पुलिस अधीक्षक भदोही के अनुरोध पर आगर पुलिस मध्य प्रदेश द्वारा आगर जिले से अभियोग पंजीकरण पुलिस अधीक्षक विधायक विजय मिश्रा की सूचना पर भदोही जा रही थी। जनपद की पुलिस औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड बनवाने के उपरांत विधायक विजय मिश्रा को लेकर आगर जिला मध्य प्रदेश से आज दिनांक 16 अगस्त 2020 को भदोही पहुंची तथा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिमांड बनवाया गया, जिन्हें 28 अगस्त 2020 तक न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज रवाना किया गया। उल्लेखनीय है कि विधायक विजय मिश्रा के विरुद्ध थाना गोपीगंज में पंजीकृत मोवकिल संख्या 273/20 धारा 323, 506, 347, 348, 449 IPC पंजीकृत किया गया था, जिसमें विधायक वांछित एवं फरार चल रहे थे। उपरोक्त मुकदमा विधायक के रिश्तेदार श्री कृष्ण मोहन तिवारी के द्वारा थाना गोपीगंज में जमीन कब्जा करने, धमकी देने आदि के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। देखिए, नैनी जेल इसलिए शिफ्ट किया गया कि यहाँ के जेलर ने रिपोर्ट दिया था कि सर इनको यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है, तो इस वजह से फिर DM साहब ने उसके लिए एक आदेश कर दिया कि इनको नैनी जेल शिफ्ट कर दिया जाए। देखिए, आज उनको कोर्ट में पेश किया गया क्योंकि ये इनकी गिरफ्तारी जो हुई थी वो आगर मालवा में हुई थी और वहाँ से 48 आवर्स के ट्रांजिट रिमांड भी हिलाया गया था, तो आज उनका रेगुलर रिमांड बनवा करके उनको जेल भेजा गया है। सर, उनकी बेटी का आरोप था कि जो और लोग वहाँ साथ में पकड़े गए थे उन लोगों को पेश नहीं किया गया। नहीं, उन लोगों को वो पकड़े नहीं गए थे, वो लोग तो आ गए हैं, अपने घर पहुँच गए हैं और वो कोई मुलजिम नहीं थे जिन्हें हम पकड़ते। उनका कहना है कि वो लोग घर नहीं पहुँचे, ना फोटो दिखे ना उन्होंने घर पर दिखे। नहीं नहीं, वो सब घर पहुँच गए हैं। उनके भाई खुदराम जी मिश्रा थे जो साथ में आए थे और बराबर आए हैं और वो चले गए घर अपने। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिले।